स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल कहानियों में। आज की कहानी का शीर्षक है स्वयं का आईना। एक आदमी था, वह बड़ा गुस्से वाला था। उसे बात बात में गुस्सा आ जाता था। वह छोटी छोटी बातों से शिकायत करता था। उसे लगता था बस वही सही है, बाकी सब गलत, और लोग उसे शांति से जीने नहीं देते। एक दिन वह सुबह उठा तो पड़ोस में रहने वाली औरत अपने कुत्ते पर चिल्ला रही थी कि तुम मुझे सिफाई नहीं करने दे रहे हो, हट जाओ यहाँ से, और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तभी आदमी चिल्लाया कि सुबह होती नहीं है कि चिल्लाना चालू कर देती हो, पता नहीं कब समझ आएगी। वह आदमी उठा और पार्क में पेपर लेकर चल दिया। वहीं पर एक बच्चा कुछ टॉफियां बेच रहा था। जैसे ही उन्होंने पेपर खोला, वह बच्चा आकर बोला कि साहब कुछ टॉफियां खरीद लो। वह फिर चिल्लाया, बोला जाओ कुछ नहीं खरीदना, मैं नहीं खाता टॉफियां। और वह बच्चा मायूस सा वहां से चल दिया। आदमी चिल्लाते हुए उठा और बाहर जाने लगा और बोला कि कहीं चैन नहीं है। तभी सामने से एक आदमी दिखाई दिया जो उसी की तरफ आ रहा था। वह मन में सोचा, लो एक और आ रहा है। दूसरा व्यक्ति उनके पास पहुंचा और बोला, मैं एक देवदूत हूँ, मैं आपकी समस्या का समाधान करने आया हूँ। व्यक्ति बोला, यह क्या मजाक है, सब मुझे ही क्यों परेशान करते हैं। तभी देवदूत ने हाथ हवा में हिलाए और एक कांच की अंगूठी उसे दे दी और कहा कि आपको जब भी लगे कि सामने वाला गलत है तो ये आप पहन लेना। यह अंगूठी आपको उसकी स्थिति पे ले जाएगी और आप जान पाओगे कि कौन गलत है और कौन सही, और आप अपने आप को अगर सही पाओगे तो आप इनाम पाओगे। इनाम के लालच में उस व्यक्ति ने यह अंगूठी ले ली। दूसरे दिन सुबह वही शोरगुल हुआ। उसने सोचा, क्यों ना अंगूठी पहन ली जाए। जैसे ही उसने अंगूठी पहनी, वह उस महिला के यहाँ चला गया। वह देखता है कि महिला खाना बनाने के लिए चेष्टा कर रही है और कुत्ता उनके कपड़ों से उन्हें खींच रहा है। उनके हाथ से सामान भी छूट गया। तभी वह चिल्लाती है कि मुझे खाना बनाने दो, कहीं शांति से तुम जाके बैठ जाओ। और तभी उन्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई पड़ती है जो उनके घर से उनके आ रही थी, और वह चिल्ला रहे थे, सुबह होते नहीं कि चिल्लाना चालू हो जाती हो। तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और महसूस हुई। फिर वह अंगूठी पहने पहने ही बगीचे में चला गया। वहाँ वही लड़का आया और उसने टॉफी खरीदने के लिए कहा। अब की बार वह उसके घर पहुँच गए। वह देखते हैं कि एक कमज़ोर औरत उस बच्चे को उठा रही थी और कह रही थी कि आज ज़्यादा से ज़्यादा टॉफियाँ बेचना जिससे घर में राशन आ सके। वह बहुत बीमार नज़र पड़ रही थी। इतना देखते ही फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने झट उस लड़के को बुलाया और सारी टॉफियाँ खरीद ली और कहा कि कल भी लेकर आना। वह टॉफियाँ लेकर अपने पड़ोसी के यहाँ गए और अपने व्यवहार पर माफी मांगते हुए वह उन्हें भेंट दे दी। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आप खाली अपना पक्ष देखकर निर्णय लेते हैं, आपको दूसरे की जगह पर जाकर भी सोचना पड़ेगा कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया या ऐसा कार्य क्यों किया। सामने वाले की जगह पर जाने से आपको अपनी या उसकी किसकी गलती है इसका पता चल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आईने पर विश्वास रखें। धन्यवाद।